नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, जो भी चैनल पे अपडेट दें, आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे स्टार्टर और मोटर की प्रॉब्लम्स, की बार बार स्टार्टर ट्रिप क्यों करता है, क्या कारण है, कभी मोटर चलती है कभी नहीं चलती है, क्या कारण हो सकते, कभी चल जाती कभी नहीं चलती, कभी ट्रिप कर जाता है स्टार्टर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। दोस्तों, यहाँ पे हमने डोल IMM स्टार्टर लिया है, इसकी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं थ्री फेस मोटर के बारे में, कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये डोल स्टार्टर हमने रख रखा है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, यह स्टार्टर की प्रॉब्लम होती है और स्टार्टर से अलग भी होती है, तो हम सभी बताएंगे सेटअप बाय सेटअप, आप इसको कैसे ढूंढे, इस प्रॉब्लम को कैसे, इसको रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहला मेन चीज है ट्रांसफॉर्मर आपका, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, ठीक है, ये आपका खेत का ट्रांसफॉर्मर है थ्री फेज का। यहां पे आपके हैं फ्यूज, ठीक है, ये आपके फ्यूज हैं। फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, और यहां पर है हमारा स्टार्टर, और स्टार्टर की हमारी जो मेन पत्तियां हैं तीन, वो मैं यहां पे बना रहा हूं। ये आउटर पॉइंट है इसका, जो मोटर में जुड़ते हैं तीन पॉइंट, ये पॉइंट है इनर, जो कटआउट से हमसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन पत्तियां हैं मेन पत्तियां, जो आपस में टच होती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं वन टू थ्री, ठीक है, ये कॉइल की पत्ती होती है चौथी पत्ती। देखिए दोस्तों, ये तीन मेन पत्ती हैं वन टू थ्री, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, इस तरह से ये होती है, ठीक है, और ये पत्ती कार्य तब करती है जब ये चिपकती है, ठीक है, जब स्टार्टर उल्टा होता है तो ये ऐसे लटकी होती है, ऐसे ऐसे होती है ये, ठीक है, टच नहीं होती है। जब स्टार्टर ऑन होता है तो ऐसे खींच लेता है, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, तो ये ऐसे खींच लेता है और ये आपस में टच हो जाते हैं, ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट होते हैं, ये इनर पॉइंट है और ये आउटर पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में पत्तियां टच हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे करंट पूरा होता है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री आता है, और ये जाते हैं हमारी मोटर के अंदर, जो हमारी मोटर होती है उसके अंदर जाते हैं तीनों तार, ठीक है, इस तरह से। तो हमारी मोटर जो है वो चलती है दोस्तों, ठीक है। तो कभी मोटर नहीं चल रही है, कभी चल रही है, तो क्या कारण है। हम बटन दबाते हैं स्टार्टर का, ग्रीन बटन। अब ग्रीन बटन दबाया तो क्वाइल जो है इसके अंदर, क्वाइल जो है उसके दो तार होते हैं यहां से जुड़े होते हैं, एक यहां पे जुड़ा होता है, एक यहां से कनेक्टेड होते हैं, और बीच में रिले भी होती है, मैं डायरेक्टली बनाया है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली बनाया है। जब इसमें करंट जाता है तब ये ऑन होता है स्टार्टर। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इसको स्टार्टर को बटन को दबाते हैं तो मोटर चल जाती है, लेकिन बाद में फिर ये ट्रिप भी कर जाता है। तो इसका कारण है कि जैसे ही हमने ग्रीन बटन को दबाया, इस साइड है ग्रीन बटन, देखिए ध्यान से, ये ग्रीन बटन हमने दबाया, कॉइल के अंदर करंट गया, करंट गया तो ये पत्ती थी ऐसे चिपक गया, ठीक है,
अब चिपकने के बाद हुआ क्या, तीनों फेस मिल रहे हैं, ये तीनों फेस जो ट्रांसफॉर्मर से आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मर से जो तीनों फेस आ रहे हैं ये हमको हमारी मोटर को मिल रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली, इसका मतलब है मोटर चल गई है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो स्टार्टर की पत्ती है ये, इस पे कार्बन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस पत्ती पे या इस पत्ती पे, इस पत्ती पे, कोई सी एक पत्ती पे कार्बन आया हुआ है, और होगा क्या कि कार्बन आएगा तो ये पत्ती का कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा पॉइंट का, या तो इस पॉइंट से कट गया इस पत्ती में आ रहा है तो, या इस साइड आ रहा है तो इस पॉइंट से कट गया। ठीक है, कार्बन दिखा देता हूँ, कार्बन किस तरह का आता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन है, जब ये कार्बन आ जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। तो होगा क्या कि बाकी दो पत्ती तो चिपकी हुई है, एक पत्ती अलग हो गई है, ठीक है, एक पत्ती अलग हो गई। अब जैसे ही ये एक पत्ती अलग होगी तो इसके अंदर रिले लगी हुई है स्टार्टर के अंदर, ठीक है, तो रिले का काम है कि जैसे ही एम्पियर बढ़ते हैं, जैसे ही एम्पियर बढ़ते हैं तो ये स्टार्टर को बंद कर देती है। रिले दिखाता हूं आपको, तो रिले है इस साइड, देखिए ये रही रिले, ये सेट करने का है, ये रिले है, ठीक है, यहाँ पे ये तीन पॉइंट है, यहाँ पे ये तीन पॉइंट है, यहां से ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल ये तार होता है, ठीक है, इसके बीच में पत्तियां लगी होती हैं, जैसे ही इन पे लोड बढ़ता है तीनों के ऊपर ये पत्तियां इधर आती हैं, थोड़ी थोड़ी इधर आती है, इधर इधर आती है, तो नीचे देखिए ये एक रोड जैसा लगा हुआ है एक, ये जैसे ही ये दबेगा तो यहाँ पे इसका कनेक्शन होता है यहाँ पे इसका, ठीक है, और ये कनेक्शन जो है वो कट हो जाएगा, रिले से अलग हो जाएगा, स्टार्टर कॉइल में करंट नहीं जाएगा और स्टार्टर हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि ट्रिप कर जाएगा। ये बार बार ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब है कि हम बार बार स्टार्टर को ऑन कर रहे हैं, बाकी जो पत्ती में जहाँ पे कार्बन है वो काम नहीं कर रही, बाकी पत्तियां काम कर रही, इसलिए लोड ज्यादा पड़ रहा है इस पे, रिले पे लोड, रिले बार बार बंद कर रही है लोड ज्यादा होने पे यहाँ पे, ठीक है, आउटर साइड की पत्तियों पर अगर लोड ज्यादा पड़ेगा तो रिले काम करना बंद कर देगी, इसलिए स्टार्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, जब पत्तियां सही काम करती हैं तब मोटर चल जाती हैं, और जब पत्ती ठीक से काम नहीं करती तो स्टार्टर ट्रिप कर जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, कभी मोटर चलती है कभी नहीं चलती, और भी प्रॉब्लम होती है, देखिए और तब प्रॉब्लम होगी, ये तो मैंने बताया पत्ती की वजह से, पत्ती में कोई सी वाली में खराबी आ जाए तब ये प्रॉब्लम आएगी, तीनों में से एक पत्ती में अगर खराबी आई है तो। अगला है दोस्तों कि आपने बटन दबाया मोटर चल गई है, ठीक है, तीनों फेस जा रहे हैं मोटर में, मोटर चल रही है, उसके बाद मोटर चलते चलते बंद हो जाती है, स्टार्टर जो है ट्रिप कर जाता है, उसका कारण यह है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर पे आपने जो कटआउट से तार लगाए हैं, हो सकता है आपने यहाँ पे पॉइंट है जोड़ है, तो यहाँ जोड़ पे से कोई एक तार टहल गया है, एक तार वो टहल गया है जो स्टार्टर दोनों पिनों में चलता है, ये बीच वाला तार अगर टहल गया है, बीच वाला अगर तार टहल गया है, अगर ये तार टहलेंगे तो स्टार्टर ऑन ही नहीं होगा, स्टार्टर में करंट ही नहीं आएगा, लेकिन ये बीच वाला तार इसका स्टार्टर से लेना देना नहीं है, इसके बिना भी स्टार्टर चल जाता है, तो अगर ये तार टहल जाता है, अगर ऑटोमेटिक नहीं लग रहा, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक नहीं लग रहा ये तार टहल जाता है तब भी स्टार्टर ऑन होता है और मोटर पे इस तार में करंट नहीं जाता है और फिर बाद में ट्रिप कर जाता है, जब मोटर पे दो तार ही जाते हैं जब लोड पड़ता है इस रिले, तो ये कारण होते हैं कि यहाँ से तार आपका लूज हो सकता है, या फिर आपका कटआउट है, कटआउट के अंदर से इस साइड से लूज हो सकता है आपका तार जो यहाँ पे लग रहा तार बांध रखा आपने, या ठीक है इस साइड से लूज हो सकता है, ठीक है तब ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर आपके पत्तियों में दिक्कत हो सकती है तब ये दिक्कत होगी, ठीक है, अगर मोटर में दिक्कत आई, तो होगा क्या, अगर मोटर पूरी तरह से जाम है तो क्या होगा कि स्टार्टर आप बटन दबाएंगे मोटर नहीं चलेगी, बार बार ट्रिप ही करता रहेगा, ट्रिप 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 करता रहेगा, ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि मोटर कई बार पता क्या है जाम हो जाती है और फिर चल भी जाती है, इस कंडीशन में भी यही होगा कि स्टार्टर आपका बटन, आपने जब स्टार्टर का बटन दबाया, ठीक है, स्टार्टर का बटन दबाया, वोल्टेज ठीक ठाक आ रहे हैं और मोटर जो है वो चल गई है, और चलते चलते बीच में जाम हो रही है किसी कारण से, या तो पंप में कोई दिक्कत है, या मोटर के बुशों में कोई दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है, बेयरिंग में कोई दिक्कत है, उस कंडीशन में अगर मोटर एकदम से जाम हुई
तो लोड ज्यादा पड़ेगा रिले के ऊपर, और रिले जो है वो इसको क्वाइल से करंट कट कर देगी और स्टार्टर ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कारण भी होता है कि मोटर की वजह से भी कई बार होता है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये जो बड़ी मोटर है ऐसा होता नहीं, ऐसे छोटी मोटर तो ऐसे होती है कि जाम होती चलती चलती, लेकिन बड़ी मोटर में ऐसी प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मोटर है, प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे कम आती है इस तरह की। फिर भी अगर मोटर में इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, बाकी ट्रिप ही ट्रिप कर रहा है, मोटर चल नहीं रही। इसकी मतलब है कि मोटर यहाँ पे जो पॉइंट है, जो आउटर पॉइंट है, या तो आपकी मोटर शॉर्ट हो चुकी है, अर्थिंग बना रही है तब ज़्यादा एम्पियर बढ़ रहे हैं तब ट्रिप कर रहा है, या आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है, मोटर जल चुकी है, या हो सकता है कि मोटर फिर जाम हो चुकी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये तीन तार मोटर के हैं, इनको निकाल सकते हैं, इनको निकाल के स्टार्टर को ऑन कीजिए। अगर स्टार्टर अब की बार ऑन हो गया तो इसका मतलब है मोटर में प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में आपको मोटर को चेक करना होगा मल्टीमीटर से, मैगनीमीटर से, एनालॉग मीटर से, जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टर ठीक है तो ये प्रॉब्लम होती है पत्तियों की वजह से, तो लोड बढ़ता है तब, ठीक है, अगर ऑन हो जाता है तो कुछ ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कभी मोटर चलती है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम बोलूंगा मैं, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है लूज कॉन्टैक्टर। ये जो कॉन्टैक्टर होती है, पत्तियां होती है, अगर इसमें लूज आ जाए, कार्बन आ जाए इन पत्तियों के बीच में, तो इसको बोलते हैं लूज कॉन्टैक्टर। और लूज कॉन्टैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम दोस्तों होती है। तो आपको करना क्या है, अगर ये लूज कॉन्टैक्टर आ जाए तो एक काम आपको करना है, पत्तियों को निकालना है। और ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, देखिए काफी सारी जल चुकी हैं, इनको अच्छे से घिसना है, अच्छे से घिसना है रेती से, ज्यादा भी मत घिस लेना, ठीक है। और इन नीचे वाली पत्तियों को भी सभी को अच्छे से साफ करना है, फिर इसको सेट कर देना, जैसे सेट आपने निकाला था वैसा वैसा सेट कर देना। उसके बाद आपको देखना है कि मोटर में प्रॉपर तीनों फेज जा रहे हैं नहीं, पत्ती प्रॉपर चिपक रही है नहीं। उस कंडीशन में भी कई बार क्या होता है कि पत्ती ज्यादा जल जाती है, पत्ती ज्यादा जल जाती है, पत्ती आपने ज्यादा घिस दी तो एक साइड का तो आपका चिपक गया, जिस साइड बड़ी थी, जिस साइड छोटी थी उस साइड पत्ती नहीं चिपकेगा, उस साइड भी ये प्रॉब्लम आएगा। फिर उस कंडीशन में आपको फिर क्या होगा कि आपको कंप्लीट पत्तियां मार्केट में मिलती हैं, ये सारी पत्तियां आपको नीचे की ऊपर की बदलनी होगी, आपका स्टार्टर नया जैसा वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आती है, कार्बन ज्यादातर जब आता है जब इस पर लोड ज्यादा होता है, या स्टार्टर के तेल में पानी मिल जाए, कुछ कचरा मिल जाए, या स्टार्टर तेल खराब हो जाए, कम तेल आपने डाल रखा है स्टार्टर का, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही प्रॉब्लम है लूज कॉन्टैक्टर। लूज कॉन्टैक्टर चाहिए आपका टंकी के ऊपर से हुआ हो, अगर टंकी के ऊपर से इस तार का हुआ होगा, अगर बाकी तारों का हुआ तो स्टार्टर ऑन ही नहीं होगा। अगर इन दो तारों का हुआ जो स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा तीसरे तार का हुआ है जो कि स्टार्टर का लेना देना इससे नहीं है, मोटर का लेना देना है, तो भी स्टार्टर ऑन होगा आपका, लेकिन तीसरा तार उसमें आ नहीं रहा, उसकी वजह से फिर ट्रिप करेगा। या हो सकता है कि आपके स्टार्टर की जो तीन फेस हैं उनमें से एक की पत्ती किसी भी साइड से, 1, 2, 3 में से कोई सी भी पत्तियों में से एक पत्ती, इन तीनों में से कोई सी भी एक पत्ती किसी एक साइड से खराब हो जाए, या दोनों साइड से खराब हो जाए, मतलब मोटर में दो ही तार जा रहे हैं तब, ठीक है। अगर मान लीजिए दो पत्तियां खराब हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टर तो ऑन रहेगा, क्योंकि स्टार्टर को इस पत्ती से कोई लेना देना ना, उसको अपनी पत्ती से लेना देना जो ये वाली पत्ती है, ठीक है, ये वाली पत्ती जो है, ये वाली पत्ती, अगर ये पत्ती ही खराब हो गई ना ये वाली, तो स्टार्टर ऑन भी नहीं होगा। जब तक आप बटन दबाए के रखेंगे ना तब तक ये काम करता है, ठीक है। तो ये इन तीनों पत्ती से इसका लेना देना इतना है नहीं, तो होगा क्या, ये भी जब गिरती है, जब रिले, जब इस पे लोड पड़ता है मोटर का, या मोटर में कई बार क्या होता है दो पत्तियां खराब हो गई, दो पत्तियां खराब हो गई तो पत्ती एक चिपक रही है, मोटर के अंदर एक तार जा रहा, अब एक तार जा रहा है मोटर पे, अब मोटर नहीं चलेगी, उस समय स्टार्टर स्टार्टर चलता रहेगा, और स्टार्टर स्टार्टर चलता रहेगा तो स्टार्टर चलता ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोटर में दूसरा तार तो जा ही नहीं रहा, ट्रिप करने के लिए दूसरा तार जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। जब दूसरा तार जाएगा तो इस पे पत्तियों पर लोड पड़ेगा और रिले जो है वो कट कर देगी स्टार्टर को, लेकिन दो तार जाने पे, ठीक है। अगर तीसरा तार जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मोटर चल ही जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, काफ़ी ज़्यादा मैं इसमें बता दिया है आपको, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
फिर मैं आपको एक और डिटेल्स वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने, ठीक है, आज की वीडियो में बताया कि जो प्रॉब्लम है इसके बारे में, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या कैसे रिले जो है, रिले का सिस्टम जो कैसे कार्य करता है पूरा, ये जो पत्तियां हैं वो कैसे लोड के ऊपर रिले को कट करती हैं, कैसे ये इस साइड आती हैं और कैसे, उसके बारे में हम छोटा सा वीडियो देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।